मेरा नाम जगदीश प्रसाद है, मेरी उम्र 60 साल है। मैं पिछले 6 साल से फिस्टुला बीमारी से पीड़ित था और मैं बाजार से ट्यूब लेकर के कुछ भी लगा लेता था जो उस चीज़ के लिए नहीं था। उसके बाद बीमारी आई कोविड, उसके बाद लॉकडाउन लग गया जिससे मैं घर पे रहा और घर पे रहने पर मैंने यूट्यूब पे एक देसी नुस्खा देखा और वो मैंने अपने पर यूज़ कर लिया। उस नुस्खे से मेरे को काफ़ी नुकसान हो गया, जो फिस्टुला बीमारी थी उसने भयंकर रूप धारण कर लिया जिससे मुझे किसी बड़े हॉस्पिटल में जाना पड़ गया। वो इतना ज़्यादा मेरे को पेन था, दर्द था कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। जब मैं उस हॉस्पिटल में गया तो मुझे बोला कि आपकी सर्जरी होगी, ये इसके बिना आपका ये ठीक नहीं होगा। सर्जरी करने के बाद मेरे को उन्होंने 1 मंथ का रेस्ट बताया जिसके बीच में मेरी ड्रेसिंग और डॉक्टर से मिलने का बार बार आना पड़ रहा था। पर चांस की बात थी कि वो सर्जरी में पस पड़ गया। पस पड़ने से क्या हुआ कि मैं काफ़ी परेशान हो गया। मैं डॉक्टर के पास भी गया, डॉक्टर ने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आपको लग रहा है। फिर मैंने उनसे काफ़ी कहा डॉक्टर साहब ये ठीक नहीं हो रहा, कोई एंटीबायोटिक वगैरह कुछ दे दीजिए या जिससे कि, क्योंकि मेरी वाइफ भी परेशान है, वो भी ड्रेसिंग करती है, वो भी कहती है डॉक्टर को जाके बोलो कि ये ठीक नहीं हुआ है। फिर मैंने वहाँ हॉस्पिटल में जाना है छोड़ दिया। मेरे को किसने और किसी रिलेटिव ने कहा आप एक है डॉक्टर पल्मोनरी क्लिनिक है कालकाजी में, आप वहाँ जाइए डॉक्टर संदीप पनवीर से बात कीजिए और वो बताएंगे आपको कोई रास्ता। क्योंकि मैं तो बहुत परेशान था, मेरे को जिसने जैसे बोला मैं वैसे ही चला गया। मैं यहाँ पल्मोनरी क्लिनिक कालकाजी में आया तो मैंने डॉक्टर साहब से बात करी। डॉक्टर साहब ने कहा कि मैंने आपका चेकअप कर लिया है सारा, उन्होंने मेरे को MRI के लिए सर्च करा, मैंने MRI करवाया। जो उसमें रिपोर्ट आई उसमें बोला कि ये आपका जो है टिश्यू का जो पोर्शन था फिस्टुला का वो बेकार हो चुका है, वो सर्जरी कामयाब नहीं है। तो हम भी 90% की गारंटी लेते हैं, 10% की गारंटी नहीं लेते। उन्होंने मेरी दोबारा से सर्जरी कराई जिससे कि मेरे को 20 दिन के अंदर काफ़ी हद तक आराम पड़ गया। फिर मैंने उन्होंने कहा था कि आप अगर नहीं आ सकते कोई बात नहीं, आप मेरे को अपने मोबाइल से फ़ोटो भेज दीजिए अपने घाव की, जो आपको फिस्टुला का घाव दिया गया है, तो मैं आपको बता दूंगा कि आप आना है या ये ड्रेसिंग रोकनी है। मैंने डॉक्टर साहब ऐसी कोई बात नहीं, मैं वैसे आपको दिखा दूंगा घाव पर आऊँगा, मैं कंसल्ट के लिए आऊँगा। जब मैं आया तो उसके बाद 1.5 महीने के बाद मेरी बिल्कुल वो जगह सूख गई। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई ऐसी मेरे को दिक्कत नहीं है और मैं काफ़ी थैंक्स बोलूँ डॉक्टर संदीप बनर्जी का जिन्होंने मेरे को बोला था कि 90% आपके चांस है, 10% नहीं, पर ये मेरे साथ 100% हो गया है।